क्लास 7 इट्स योर जीके क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 2021. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन पर पीपल व्हिच इंडियन स्टेट रैंक्ड फर्स्ट. मींस वैक्सीनेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कौन सी स्टेट नंबर 1 पॉइंट पर चल रही है, रैंक में सबसे फर्स्ट पॉइंट पर है. सो गुजरात. गुजरात ने अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की है, तो गुजरात इज इन द फर्स्ट पोजीशन. हु लॉन्च द इनिशिएटिव दिल्ली एट 2047. ये लॉन्च किसने किया है, ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च की है? अरविंद केजरीवाल. तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है. थर्ड इज Which organization has secured patent registration for its innovative plastic mixed hand paper handmade papers जो plastic में को जिसमें mix कर दिया जाता है, handmade papers हैं, तो वो कौन सी industry ने, किस कौन सी organization ने start किया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो विलेज से रिलेटेड है, मीन्स विलेज के लोगों को रोजगार देती है, उससे रिलेटेड है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. फोर्थ इज हु इज द ओनली फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन टू सक्सेसिव ओलंपिक मेडल्स. मीन्स कौन सी फीमेल प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक में दो मेडल्स जीते हैं, एक अकेली फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, पीवी सिंधु. फिफ्थ है आपका विच स्टेट ये यूनियन टेरिटरी पुलिस डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एन ईएफआईआर इनिशिएटिव. मींस ईएफआईआर मींस इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर. पहले आपको एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ता था, लेकिन कौन से स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट किया है कि वो घर बैठे बैठे ईएफआईआर कर सकते हैं? सो मध्य प्रदेश. ये शुरुआत किसने की है, इनिशिएटिव मींस शुरुआत, मध्य प्रदेश. सिक्स्थ है इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट स्मोग टावर हैज बीन इनॉग्रेटेड. कौन सी सिटी में स्मोग टावर सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया है? सो इट इज दिल्ली. स्मोग टावर में जो पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, सो इट इज दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन Which state or union territory has launched a comprehensive talent search campaign in the field of sports? Talent hunt एक search start की है, किसने की है? मध्य प्रदेश में. What is the name of India's operation of evacuating its citizens from war-torn Afghanistan? आपको पता है अफगानिस्तान में इस टाइम पर कंडीशन बहुत खराब है, जो तालिबान के लोग हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया है, अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है. तो वहां से इंडियन सिटीजन्स को आजाद कराना, वहां से निकाल कर लाना, ये इस ऑपरेशन को इंडिया ने इसका ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति. उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति. नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट इज द न्यू चेंज्ड नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी जो है ना, उनका खेल से रिलेशन नहीं था, वो खेल से रिलेटेड नहीं था, इसीलिए उसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है. 10th question, last question. Who has been appointed as the first woman director of the Geological Survey of India? पहली woman director Geological Survey of India की कौन बनी है? So it is Drithi Banerjee. Drithi Banerjee is the answer. Okay, now we will focus on our book. बिजनेस जाइंट्स की, मीन्स जिन्होंने बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क किया है, बिजनेस में जो बहुत अच्छे बढ़ चढ़ कर जिन्होंने बिजनेस को बढ़ाया है बिजनेस के फील्ड में, तो बिजनेस जाइंट्स. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई दीज फेमस बिजनेस लीडर्स. ही इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन हु सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सीईओ.
आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ. सीईओ की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी चेन स्टारबक्स. स्टारबक्स बहुत फेमस कॉफी चेन है, इस कॉफी के बहुत सारे स्टोर चलाते हैं ये. होवार्ड डी स्कूल्स, होवार्ड डी स्कूल्स तो स्टारबक्स के सीईओ. शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है, हु इज द सीईओ ऑफ स्टारबक्स. सेकेंड है ही इज अ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर एंड हेड ऑफ द वर्जन ग्रुप. ही इज द ओनर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज इन द यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजिंग अराउंड 100 बिजनेसेस. लगभग अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका से रिलेटेड है, मिस ब्रिटिश से रिलेटेड है, मिस सॉरी अमेरिका नहीं यूनाइटेड किंगडम, यूके इंग्लैंड, और लगभग 100 तरीके के बिजनेसेस ये चलाते हैं. रिचर्ड ब्रेंसन, रिचर्ड ब्रेंसन इज द आंसर. अ चाइनीज टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, ही इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द चाइनाज ई कॉमर्स मार्केट एंड द फाउंडर ऑफ द अलीबाबा ग्रुप. ई कॉमर्स मीन्स जो वर्क आपका कंप्यूटराइज्ड जो बिजनेस होता है उसमें इन्होंने बहुत हेल्प की है. चाइना के ये रहने वाले हैं और ये फाउंडर हैं कौन से ग्रुप के, अलीबाबा ग्रुप के ये फाउंडर हैं. तो जैक मा. फोर्थ अ फ्रेंच बिजनेस वुमेन एंड हेरिस ऑफ द लॉरियल कॉस्मेटिक्स फॉर्च्यून. शी बिगेन हर कैरियर एट एज एन apprentice at the age of 15 and became one of the richest women in the world by expanding her company beyond the L'Oreal brand. L'Oreal cosmetic का एक बहुत famous brand है और इन्होंने ही वो start किया है. French है ये, French business woman है ये, France की रहने वाली है. तो Lillian Bettencourt, Lillian Bettencourt is the answer. Fifth, an Indian born American businesswoman. An Indian born American businesswoman. She is the CEO of PepsiCo Inc. She was the first woman to lead the soft drink and snack food giant. Okay, means ye Indian hai lekin America mein business karti hai. American businessman hai, CEO hai ye PepsiCo company ki. और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने लीड किया है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को. इंदिरा नुई, इंदिरा नुई इज द आंसर. सिक्स पे आपका, ही इज अ स्पैनिश बिजनेसमैन हु को फाउंडेड जारा विद हिज एक्स वाइफ रोशेलिया मेरा. ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. जारा एक कपड़ों का ब्रांड है, एक क्लोथ ब्रांड है जारा. बहुत सारी चीजें मिलती है उसमें और भी, और बहुत कितना एक्सपेंसिव ब्रांड है जारा और बहुत फेमस भी है इस टाइम पे. सो एमेंसियो ऑर्टेगा, एमेंसियो ऑर्टेगा. टिटबिट्स पे फोकस करिए नाउ. नोन एज द ओरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बुफे इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ द 20th सेंचुरी. Defying investment norms and trends, he managed to amass a personal fortune of more than $60 billion and has pledged to give away 99% of his wealth to charity during his lifetime or at death. He was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2011. Oracle Omaha, Oracle of Omaha इन्हें कहा जाता है. वॉरेन बुफे इनका नाम है और ये अमेरिकन बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी जितनी संपत्ति है, जितना उनका मिस पैसे थे उनके पास, जितना मनी थी उसका 99% ये चैरिटी में दे देते थे. सो वॉरेन बुफे अमेरिका के ये बिजनेसमैन है. ओके, सो यू नो नाउ यू कैन फिल दिस चैप्टर इन योर बुक्स. तो ये इनका मदर टेरेसा का ये रियल नेम है. ये मैसेडोनिया में इनका बर्थ हुआ था, ये इंडिया की रहने वाली नहीं थी, मैसेडोनिया में इनका बर्थ हुआ है. शी केम टू इंडिया इन 1928, 1928 में ये इंडिया आई थी. गाइडेड बाई अ डीप इनर कॉल, मीन्स इनकी अंतरात्मा ने इन्हें आवाज दी थी. ठीक है, मीन्स
कई बार ज्ञान का एहसास होता है, अपने नॉलेज का एहसास होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी है, तो इनके वही इनर कॉल इन्हें फील हुई. शी एस्टेब्लिश द ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. इन्होंने चैरिटी के लिए मिशनरीज ओपन की 1950 में. मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियंस ग्रुप होते हैं वो मिशनरीज ओपन करते हैं. एंड डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस फॉर द नीडी. और इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो बलिदान कर दी थी जरूरतमंद लोगों के लिए. शी वॉज अवॉर्डेड द पोप. शी वॉज अवॉर्डेड द पोप जॉन 23 पीस प्राइज इन 1971. इन्हें अवार्ड दिया गया था 1971 में. एंड द नोबल पीस प्राइज इन 1979. और पीस जो नोबल प्राइज दिया गया है वो 1979 में दिया गया है. She was beatified on October 1923, reaching the ranks of the blessed. She was canonized by Pope Francis I on September 4, 2016. So she is Mother Teresa. Mother Teresa के बारे में सब जानते हैं कि Mother Teresa ने जो अपनी पूरी लाइफ थी ना वो गरीब लोगों के लिए, उनकी जरूरतमंदों के लिए, बीमारों के लिए, उनकी हेल्प में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बलिदान कर दी थी. अब नेक्स्ट देखो लक्ष्मी मैम. यस यस मैम. मैम बीटीफाइड का मीनिंग क्या होगा? अ नोबेल प्राइज विनर एंड द फर्स्ट वुमेन टू अर्न अ डॉक्टरेट डिग्री इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. अफ्रीका की पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने डॉक्टरेट पीएचडी की जो डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है वो ली थी इन्होंने. शी इज नोन फॉर हर स्ट्रगल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. और इन्होंने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, लोगों के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया है. सो वांगरी मथाई. वांगरी मथाई ये अफ्रीका की रहने वाली है, ठीक है. एंड बिटिफाइड का मीनिंग है धन्य. बिटिफाइड मीन्स धन्य, मीन्स जो जैसे कहते हैं ना महात्मा बुद्ध, धन्य आत्मा, ठीक है. तो बिटिफाइड का मीन्स धन्य वर्ड होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन. She is a young Pakistani activist who spoke out publicly against the Taliban. अभी मैं डिस्कस कर रही थी तालिबान, जब करंट अफेयर्स को मैंने डिस्कस किया था मैंने आपको तालिबान के बारे में बताया था कि इस टाइम तालिबानी जो है उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है. तो ये मलाला यूसुफजई आंसर है इसका. मलाला यूसुफजई ने भी जो आवाज उठाई थी, जो अगेंस्ट थी, वो तालिबानी लोगों के खिलाफ ही थी. तालिबानी लोग जो है ना बहुत उग्र होते हैं, बहुत वॉयलेंट होते हैं, लोगों को मारते हैं और जो उन्हें करना होता है वो करते हैं, लोगों के हक के खिलाफ वो काम करते हैं. तो इन्होंने ओपनली आकर तालिबानी लोगों के खिलाफ बोला था. प्रोहिबिशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ गर्ल. और वो क्या चाहते थे, तालिबानी चाहते थे कि लड़कियों को एजुकेशन ना मिले, लड़कियां कभी शिक्षित ना हो पाए, क्योंकि उनके जो रूल्स होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. मैंने तो बताया ना बहुत वॉयलेंट है अपने रूल्स के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट है वो अपने रूल्स के लिए. ज्यादातर जो उनके रूल्स चलते हैं वो वुमेन के ऊपर चलते हैं, औरतों के लिए चलते हैं. शी सर्वाइव्ड एज एन एसोसिएशन अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 15 एंड वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014 फॉर हर एफर्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट. इन्होंने जो वर्क किया है वो बच्चों के अधिकारों के लिए वर्क किया है कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है. वहां पहले क्या है, तालिबानी का जो रूल है वो क्या है कि लड़कियां बुर्का पहनेंगी, हाथों तक उनके पूरे हाथ कवर्ड होने चाहिए, बुर्का पहनेंगी, पूरी तरह से कवर्ड रहेंगी, वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो टीवी नहीं देख सकती हैं, बाकी बहुत सारे रूल्स हैं. अगर उन्हें कहीं मार्केट भी जाना है तो उनके घर का कोई बड़ा मेंबर, कोई मेल मेंबर उनके साथ होना चाहिए. वो बिना किसी मेल मेंबर के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उन्हें बुर्के में कवर्ड रहना होगा. तो ये तालिबानियों के कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो उनके खिलाफ बोलता है वो उसको सजा जरूर देते हैं. जैसे कि मलाला यूसुफजई के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्हें शूट कर दिया गया था गोली से. मलाला यूसुफजई को भी ना शूट किया गया था तालिबानियों ने, उन्हें गोली मार दी थी. उसके बाद उन्हें अमेरिका लेकर गया था और वहां पर उनका इलाज किया गया था. लास्ट वन, द फर्स्ट बेलारूशियन ऑथर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. इन्हें लिटरेचर के लिए दिया गया है, लिटरेचर मीन्स इनकी राइटिंग्स के लिए. शी इज नोन फॉर हर पोर्ट्रेयल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन.
मीन्स इन्होंने जो लिखा है वो सोवियत यूनियन के लिए लिखा है, उसके खिलाफ लिखा है, और ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं इन द लिटरेचर, स्वेतलाना एलेक्सेविच. स्वेतलाना एलेक्सेविच इज द आंसर.